अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल रज़ा। जेलम के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो सरकार की नात भी पढ़ता है और साथ मेहनत भी करता है। इससे बात करते हैं, जानते हैं कि आपने कब से नात पढ़ना शुरू किया और आज हमको कौन सी नात शरीफ सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं। मेरा नाम जुनेद मंजूर है, मैं दीना के नवाही इलाके कलवाल से बिलोंग करता हूँ और ये नाथानी पढ़ना मेरा शुरू से शौक़ है। तकरीबन मुझे 10-11 साल हो गए नाथानी पढ़ते हुए, तो आज माशाल्लाह मेहनत करते करते इधर तक इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मतलब अच्छा, कि मुझे क्या सुनाना चाहेंगे आप? अभी ना सुनाता हूँ एक आपको, तो इजाज़त दें। जी सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि का या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। हमेशा पंजे तनी निस्बत
खुदा करे कि हम सबको वहाँ से एक पैगाम आए। मैं पंजाब गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि म्यूज़िक का तो आपने जो है प्रोग्राम करवा दिया, लेकिन ऐसे नौजवानों के लिए जो सरकार की मोहब्बत में नात शरीफ पढ़ते हैं, इनको भी मौका दिया जाए और सरकारी सतह पे ऐसा प्रोग्राम करवाया जाए ताकि ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया पे रोशन कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।